श्री सनातन धर्म राम मंदिर जालंधर छावनी की ओर से 24 फरवरी से 3 मार्च तक मंदिर प्रांगण में श्री मद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कथा का श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान कथावाचकों ने प्रभु लीलाओं का सुंदर व्याख्यान कर भक्तों को भाव विभोर किया और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त रहने के लिए अग्रसर किया। इस अवसर पर चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, पंडित राजेंद्र राजू, प्रभुदयाल, लक्ष्य शर्मा, रविकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, अनु शर्मा, गीतांजलि, आशा, सीमा, सरोज रानी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आज के बाद भागवत में प्रवेश करता हूँ, जो भागवत के दर्शन करेगा उसे मेरे दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। तो श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण स्वरूपेण, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। नारद जी के सामने ही, आंखों के सामने देखते देखते करोड़ों सूर्यों के समान चमकता हुआ तेज पुंज भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकल करके भागवत में समाहित हो गया। तब से ये भागवत ही भगवान श्री कृष्ण का वाणमय स्वरूप है हमारे पृथ्वी पर। तो बोले भगवान श्री कृष्ण तो चले गए और मैं भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को लेकर के आ रहा था तो गोपियों को भीलों ने लूट लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस अर्जुन के आगे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे महारथी नहीं टिके, उन सबको अकेले अर्जुन ने परास्त किया, मृत्यु के घाट उतारा। भागवत कथा जोदा के आज पहला दिन सी, साडे गुरु जी ने बहुत अच्छे विचारां दे नाल जो के भागवत दी कथा सारयां नूं सुनाई है और कल दूसरा दिन होएगा और सारयां नूं यही अपील है, यही बेनती है कि कल वध तों वध अपने नाल दे आंढियां गुआंढियां नूं लिया के भागवत दी कथा दा आनंद लैण। और मैं अपने वालों और अपने परिवार वालों और सारे केंद्र वालों रामा मंदिर वालों सारे इतने आने पर बधाई देना। और मैनू सारे बहुत खुशी है कि जो साढ़े बिच वैश परिवार है उन्हों का भी बहुत धन्यवाद है और सारे केंद्र वासियों का और साढ़े जिहड़े नाल साढ़े मिले हुए सीमा जी और साढ़े फिर वैश परिवार प्रधान कमल चौहान और दो मिनट लई जो कि साढ़े सोनू भरा छोटे वो विचार देंगे। श्री सनातन धर्म मंदिर द्वारा श्री भगवत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। श्री कृष्ण संदेश जी महाराज जी परम पूजनीय हमारे प्रवक्ता जिन्होंने व्यास गति से श्री हरि के गुणों का गुणगान किया और समस्त पंडाल में उपस्थित संगत को श्री हरि नाम से परिपूर्ण किया। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से उत्प्रोत करती है। हमारे उपस्थित परम पूजनीय श्री कृष्ण संदेश जी महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं हमारे जंग छावनी पधारने के लिए। प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू जी हमारे चेयरमैन सनातन धर्म के, हमारे प्रधान जी कैशर साहब और समस्त जितना भी यहाँ भक्त मंडल एकत्रित था सभी इनका बहुत बहुत अभिवादन धन्यवाद करता है। और सारी छावनी वासियों से निवेदन है इस भगवत सप्ताह में उपस्थित होकर अपने आप को हरि नाम से परिपूर्ण करें, अपने कलयुग के कालों का नाश करते हैं, हरि नाम में स्वयं को संलिप्त करें। मैं एक बार फिर से सबसे निवेदन करता हूं कि 3 मार्च को हमारे माननीय शीतल विजय द्वारा श्री सनातन धर्म राम मंदिर में सालासर महाराज का मूर्ति स्थापन की जानी है। आप सभी से निवेदन है कि सुबह आकर मूर्ति स्थापना में भाग लें। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में भव्य व स्वागत किया जाता है भागवत का, जो कि वृंदावन से हमारे महाराज जी आए हैं। बहुत मिठास से
आज प्रथम दिन में कथा सुनाई है और लोगों ने काफी सुना है, सुनी है कथा। भागवत की सुनने से ही दो कान कान में पड़ जाते हैं, आपको जिंदगी में निहाल हो जाती है। अभी तीन तारीख तक भागवत कथा चलेगी और डेली ऐसे ही प्रोग्राम होता रहेगा। और तीन तारीख को मूर्ति स्थापना भी हो रही है, हमारे शीतल बेटी प्रधान देवी तलाब मंदिर के उनके कानून द्वारा होगी। जय श्री राम। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी ने इतना भव्य आयोजन प्रारंभ कराया और सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। आज प्रथम दिवस में आनंद रहा, आज भागवत कथा के महत्व के विषय में बताया गया। कल आपको पृथ्वी की सृष्टि के अवतार की कथा, कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां से कल से ये कथा प्रारंभ होगी। बड़ा ही आनंद का विषय रहने वाला है। सभी के लिए बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। आप सभी अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके भगवान की चर्चा के लिए, हरि कथा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। कहते हैं, संत मिलन अर हरि कथा, जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा अर लक्ष्मी, पापी केहू होय। संतों का मिलना और भगवान की कथा, ये बड़े दुर्लभ क्षण होते हैं।